नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दृश्यम के निर्देशक निशिकांत कामत का निधन। रितेश देशमुख ने ट्वीट कर दी जानकारी। जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी जंग लड़ने के बाद आखिरकार निशिकांत कामत जिंदगी की जंग हार गए। फिल्म दृश्यम के निर्देशक निशिकांत कामत का निधन हो गया है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। रितेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर निशिकांत के साथ एक फोटो ट्वीट की, जिसमें वो उन्हें गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, मैं तुम्हें मिस करूंगा मेरे दोस्त निशिकांत कामत, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इससे पहले रितेश देशमुख ने ट्विटर पर निशिकांत की हालत नाजुक होने की जानकारी दी थी। रितेश ने ट्वीट करते हुए लिखा था, निशिकांत कामत वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। निशिकांत कामत वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, वो अभी जिंदा हैं और लगातार लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। आपको बता दें कि डायरेक्टर लीवर सिरोसिस नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लंबे समय से वो हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिल्म मेकर मिलाप जाफरी ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि निशिकांत अभी जिंदा है। मिलाप ने लिखा, निशिकांत के साथ जो हॉस्पिटल में है, मैंने तुरंत अभी उनसे बात की है, निशिकांत का निधन नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन उनकी हालत नाजुक है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन जिंदा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।